उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों और यहाँ के मनमोहक वातावरण का नज़ारा देखने के लिए पर्यटक देश विदेशों से यहाँ आते हैं। अल्मोड़ा की ऐसी जगह भी है जहाँ विभिन्न राज्यों के पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक भी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। अल्मोड़ा के कसार देवी में वैसे तो हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, पर कई राज्यों के पर्यटकों के साथ विदेशी मूल के पर्यटक भी काफी संख्या में आपको कसार देवी में देखने को मिलेंगे। दरअसल कसार देवी एक ऐसा क्षेत्र है जहां आकर आपको अलग प्रकार की अनुभूति होती है। यहां आकर आपको शांति और मेडिटेशन के अलावा इन कई जगहों पर आप योगा आदि कर सकते हैं। इन जगहों में आपको विदेशी मूल के पर्यटक काफी संख्या में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो 150 से लेकर 200 विदेशी पर्यटक यहाँ आकर रुकते हैं। विदेशी पर्यटकों को इतना लगाव हो जाता है कि अगर वो एक बार यहाँ आ जाएं तो इस जगह पर वह कई बार आते हैं और उन्हें कसार देवी का क्षेत्र काफ़ी भाता है। न्यूज़ 18 लोकल ने कुछ विदेशी पर्यटकों से बातचीत की, उनका क्या कहना है आइए हम आपको वो सुनाते हैं। We hear that Kasar Devi is a very beautiful place and peaceful. There is very beautiful view and you can relax and think and just be yourself. And I travel at Tamil Nadu and one of our friend told us that Kasar Devi is a really, really good thing. So we come over here and the people are very nice and I hope it's all be good. So I personally never heard of Kasar Devi until during my trip, and then we came here and saw a beautiful place. It's very peaceful. The view here is amazing. The weather sometimes very cold, but sometimes very nice here. It's cold, but the sun is beautiful. So it's just beautiful view. You can see the Himalaya and just amazing view. It's very relaxing here. They say that the energy here is special, and I can feel it. I don't know, something here is very relaxing and come to Kasar Devi. Kasar Devi एक पर्यटन क्षेत्र के साथ साथ एक स्पिरिचुअल प्लेस भी है। इसकी हिस्ट्री स्पिरिचुअल हिस्ट्री रही है। इसमें बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु, बड़े विवेकानंद जैसी हस्तियाँ, स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बॉब डिलन जैसे लोग, संगीतकार लोग जो विदेशों में, जो वर्ल्ड वाइड जिन फेमस हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसी विभूतियाँ यहाँ पर रही हैं जिनके कारण से लोग यहाँ पर आते हैं। और कसार देवी क्षेत्र एक जो है वो एक मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक ऐसा फील्ड है जो उन लोगों को बड़ी हेल्प करता है। जितने भी यहाँ पर मेडिटेशन के लोग आते हैं तो उनको मेडिटेट करने में बड़ा हेल्प करता है। तो बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी लोकल एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। होम स्टेज में रहते हैं, विलेज वॉक करते हैं, गाँव में घूमते हैं, गाँव में लोगों का पूरा जीवन देखते हैं, कैसे लोग जीते हैं, और बर्ड वॉचिंग करते हैं। यहीं पर हमारी वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है बिनसर के नाम से, और वॉक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर्स तक के वॉक्स हैं, प्रॉपर गाइड हैं जो उनको वॉक करवाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्ट करती है। कसार देवी के इन क्षेत्र में विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं तो हम आपको ये भी बताते हैं। फ्रांस, इटली, USA, जर्मनी और इसराइल के नागरिक यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो 15 दिन से लेकर करीब 6 महीने तक यहाँ रुकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।